बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं N24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ नायला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से। लकी मरवत में एसोसिएशन की जानिब से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें SHO और डेप्टी कमिश्नर ने खसूसी शिरकत की। लकी मरवत DPO तमूर खान, PSP का डेप्टी कमिश्नर फहद वज़ीर के हमरा डिस्ट्रिक्ट बार रूम लकी मरवत आमद यंग वकला फॉर्म डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इफ्तिताही तकरीब में बहसियत मेहमान खसूसी शिरकत। DPO ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माशरे की इस्लाम में वकला का अहम किरदार है, समाजी सरगर्मियों में उनकी खिदमात काबिल स्ताइश है। क़याम अमन और माशरे की इस्लाह के लिए बाहमी तआवुन से इकदाम उठाए जाएंगे। समाजी बुराइयों पर काबू पाने के लिए तमाम मकाफे फिक्र के साथ मिल बैठ कर मस्बत इकदाम उठाए जाएंगे, जिस पर यंग वकला ने DPO लकी मरवत और लकी मरवत पुलिस के साथ मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करवाई। बावरपुर से आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर के अहकाम पर SHO ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खिज़र आबाद से। अजी खिज़र आबाद, बताइएगा कि क्या तफ़सीलात हैं आपके पास। अजी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर असद सरफराज खान के अहकाम की रोशनी में SHO थाना नौशरा जदीद फजल अब्बास मगसी और ASI हबीबुल्ला पुशा की जानब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले को मजीद तेज़ कर दिया गया। थाना नौशरा जदीद के हदूद मुबारकपुर में बहुत बड़े कबाड़िए रौ मोहम्मद मिराज और मोहम्मद अकबर की दो मुख्तलिफ दुकानों पर पुलिस थाना नौशरा जदीद की जानिब से खुफिया इतलात पर कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान रौ मोहम्मद मिराज और मोहम्मद अकबर कबाड़िए की दो मुख्तलिफ दुकानों से चोरी शुदा मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों के बंद इंजन, टैंक, इटापे और शाखों के अलावा पाकिस्तान रेलवे ट्रैक से चोरी शुदा सामान से लोड दो ट्रक मौके से बरामद। रौ मोहम्मद मिराज कबाड़िया मौके से फरार होने में कामयाब, जबकि कबाड़िया मोहम्मद अकबर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना नौशरा जदीद की जानब से दोनों ट्रक और कबाड़िए मोहम्मद अकबर को अपनी तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी चिश्तियाँ से आपको बताएं, चिश्तियाँ में आज बहुत बड़े आलमे दीन मौलाना अब्दुल कदूस हजार भी आज महरूम हो गए। चिश्तियाँ में आज बहुत बड़े आलमे दीन मौलाना अब्दुल कदूस हज़ारवी महरूम हो गए। मारूफ दीन आलमी रूहानी शख्सियत मौलाना अब्दुल कदूस हज़ारवी भी अर्दाग मफारकत दे दिए गए। अहले चिश्तियाँ में कोई शख्स ऐसा नहीं जो मौलाना हज़ारवी महरूम से वाकिफ ना हो। मौलाना हज़ारवी तीन असरों के उस्ताद रहे। शहर में उनकी हैसियत और मकाम का यह आलम था कि हर जगह से ताल्लुक रखने वाले लोग उनका बराबर एहतराम करते थे। मौलाना हज़ारवी से तकरीबन 77 साल का लंबा अरसा चिश्तियाँ में दीन की खिदमत में गुजारा। शुमार लोगों ने उनसे इस्तफाद हासिल किया। मौलाना महरूम की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे लेडी पार्क चिश्तियाँ में अदा कर दी गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें उलमा कराम और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल थे। जनाजे के बाद मौलाना हज़ारवी महरूम की पुरानी यादगाह वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना महरूम के पसमंदगान में 2 बेटे, 7 बेटियाँ और हजारों शागिर्द शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान से आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सलीम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़पुर सोनी सलीम ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली। ब्रीफिंग सेशन स्टेशन के इंतजामी तरक्याती और सिक्योरिटी के मामलों का जायजा लेने के लिए अहम इदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मुकामी पेट्रोल पंप का मुआयना करने के लिए फील्ड का दौरा भी किया गया, जिसमें मियार के मयारात, कीमतों के जवाबों और कस्टमर सर्विस की पाबंदी पर तवज्जो दी गई। डिपार्टमेंट्स मीटिंग बैठकों की सरगर्मियों, चैलेंज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल करने के लिए ऑनलाइन डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग कल मुकर्रर भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम के साथ।